मेरी बीवी इतनी सुंदर है तो उसके आगे पीछे घूमूंगा ना मैं। मुझे पीसीओडी हुआ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बहुत धूप हो रही है। एक्चुअली मैं यहाँ से इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंकिता भी सो रही है और अगर मैंने उसको उठा लिया तो मेरी हालत हो जाएगी ख़राब। और ख़राब से याद आया कि मेरी दाढ़ी अभी इतनी ख़राब है यार, अभी तक ये डांस नहीं हुई है, मेरे को नहीं पता इसको डांस कैसे करूँ। आज कटवा के आते हैं दाढ़ी को। सर्दियों में गोरा तो मैं बहुत हो गया हूँ, मेरी मम्मी को बहुत खुशी होगी कि मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। 9:30 बज रहे हैं गाइस और इस वक्त मुझे मिल रही है चाय। मेरी बीवी, क्या बोलूं, बीवी हो तो ऐसी हो, बाकी हो ही ना। यस यू आर राइट मैन। चाय कैसी है मुझे बताओ, हाउ द टी? अभी जिस तरीके से मेरे कंधे पे हाथ रख दिया उस हिसाब से तुम्हें को अच्छी बतानी पड़ेगी। शाम की चाय छोड़ चुके अपन, बता दो। हम लोगों ने शाम की चाय छोड़ दी है व्लॉग्स में बोलने के लिए, बाकी ये छोटू अभी भी पीता है। सच्चाई यही है, शूट नहीं करता ही है। चाय छोटू छोड़ नहीं सकता, ये सच्चाई है। और अभी मेरा चेहरा देख के लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा चेहरा है ना, कितना मोटा हो रहा हूँ मैं। तू भी बहुत मोटा हो रहा है यार। 67 kg और का मेरा तो वजन। छोटू सरासर झूठ बोल रहा है, मैंने देखा था 69 आया था, लेकिन ये कल से सबको 67 बताया जा रहा है। सबको तो 67 ही बता रहा है, मैं देख रहा हूँ। अरे लड्डू 67 था, सच बता दे 69 था। मैंने उस वक्त सोचा था इसकी फोटो ले लूं, इसकी फोटो ले लूं या फिर वीडियो बना लूं, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल में थोड़ी शर्म आ गई, मैंने ये किया नहीं। व्हाट डेडली कॉम्बिनेशन इज, सुबह सुबह का टाइम, चाय एंड बिग बॉस। तुम ही हो गए, मैं भी तो खाता हूँ। घर में ऐसी चीज आती क्यों है जो मुझे खानी नहीं है, फिर क्या मतलब है? है? मुझे बताओ, जॉब चाहिए मेरे को, क्या मतलब ऐसी चीजें घर में जो मेरे को खानी नहीं है, फिर क्यों पैसे खराब करते हो? देखो गाइस ये एक रीटेक था और वो इसने इतना सड़ावा दिया। जब ये सीन हुआ था, सेम सीन अभी जस्ट हुआ है, तो तब कैमरा ऑन नहीं था, तो मैंने कहा रिटेक लो अच्छा है, उसमें हमने तूड़ी कर दी थोड़ी। I hate taking tablets since childhood. मेरी मम्मी मुझे उसको आधी टैबलेट भी देती थी ना बुखार उखार की, ऐसे देखो मेरे भी सर वापस आएगी। तो मम्मी मुझे टैबलेट देती थी, आधी टैबलेट फोड़ती थी और उसके बाद है ना फोड़ने के बाद उसको ना पिघलाती थी, पिघला के दूध गर्म करती थी, उसमें चीनी मिलाती थी। मेरे को चीनी वाला दूध नहीं देती थी मम्मी कभी, हम तीनों भाई बहनों को ही नहीं देती थी, मतलब दूध हमेशा सिंपल ही देती थी। तो जिस दिन चीनी वाला दूध होता था उस दिन मैं समझ जाती थी आज कुछ गड़बड़ है, इसमें टैबलेट है। और उसकी स्मेल भी आ जाती थी, उसका टेस्ट भी आ जाता था, इतना ज़बरदस्ती मैं पीती थी। और कभी जैसे खांसी होगी ना, तो खांसी में आपको पता ही है बचपन में किस किस कौन कौन है जिसने कोरेक्स नहीं पी होगी, शायद कोई भी नहीं है 90s वाला किड जिसने कोरेक्स नहीं पी होगी। तो कोरेक्स मम्मी पिलाती थी, कैसे 3 जने लगते थे मुझे कोरेक्स पिलाने के लिए, चाहे मैं कितनी छोटी थी। एक मेरे पाँव पकड़ता था, एक मेरे हाथ और शोल्डर्स, और फिर मम्मी मेरी नाक बंद करती थी, और नाक बंद करते जैसे ही मैं मुँह खोलती नहीं थी जब तक कि मेरे एकदम गले तक बात नहीं आ जाए, फिर नाक बंद करने से सांस नहीं आती थी तो फिर वो मुँह खोलती और कोरेक्स डाल देते थे मुंह में। ऐसे में ऐसी दवाइयाँ पी भी है मैंने और मुझे टेबलेट्स लेनी पड़ रही है। जो ये मेरा छोटू सिंह कॉस्मेटिक का बिजनेस खोलने वाला है, मेरे को ऐसे लग रहा है। ये सारे प्रोडक्ट्स, ये देखो ये पता नहीं क्या क्या है, ये तो दवाइयाँ ये सब मिला के इसने एक नया जहर बनाया है। ये जहर लगाने से आप 10 साल ज्यादा बुड्ढे दिखोगे। मैं लगाऊंगा तो ये है विटामिन ई के कैप्सूल्स, इस पत्ते में से निकली है, सर्दियों में ये आपके चेहरे को बेटर मॉइस्चराइजेशन देंगी। हमारी अभी लड़ाई चल रही है क्योंकि ना पानी वाला है, वो मोटू ने कैंपर पूरे घर में कैंपर जमा करके, मैं हजारों बुजुर्ग कॉल करो ऐसा कैंपर उसको दे दो, जो भी है वो हर बार आता है उसके भरोसे छोड़ देते हैं, ये अपने आप कर लेगा। वो बस कैंपर जमाता जाता है यहाँ पे, खाली कैंपर ले जाता नहीं है। अभी वो खाली ले गया, बाहर दो खाली पड़े थे, अंदर एक पड़ा था, पर मेरे आगे पीछे घूम रहे, यूं नहीं जाके उसको एक खाली कैंपर दे दो, क्या करूँ इस चक्कर पति का। मेरी बीवी इतनी सुंदर है तो उसके आगे पीछे घूमूंगा ना मैं।
इट्स लंच टाइम, मैं नहा चुकी हूँ, मोटो अभी नहाए नहीं है मोटो अभी तक नहाए नहीं है। मेरे को आज बाल कटाने जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया किसी कारण की वजह से, मैं कारण हूँ और मेरी वजह से नहीं जा। तो मैं बाल कटाने कल जाऊंगा। और आज हम लोग जाएंगे मंदिर शाम। हाँ मंदिर जाके आते हैं। मुझे पालक और ब्रोकली खानी है तो मैं ना आज कुछ नया तरीका ढूंढा है, मैं आटे में लगा के उसकी रोटी बना के खाऊंगी, रोटी या पराठा कुछ भी। पराठा अच्छा नहीं है, मुझे वेट लूज करना है तो बहुत ही मामूली से तू सा घी लगाऊंगी पराठे के ऊपर और फिर रोटी के ऊपर थोड़ा सा लगा के आधी चम्मच और फिर उसको खाऊंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गोना डू एज वी सेड, हमने वैसे कई बार आपको कहा कि हम लोग मंदिर जाएंगे 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 पर हम लोग जाते नहीं है और आज फाइनली हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और ये मेरा जैकेट है, ये क्या है ये पता, जो भी है मुझे नाम भी नहीं पता, एक मैंने लिया था 2 साल पहले और अभी भी फिट आ रहा है, कमाल की बात है। और मेरा वजन, हाँ और मेरा वजन लगभग 15 किलो बढ़ चुका है। सो अभी हम लोग वॉक के लिए निकल चुके हैं और अक्षरधाम टेम्पल जा रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, कितना मजा आता है स्ट्रीट में, बचपन में कितना मजा आता था ना, फुटबॉल खेल रहे हैं। कितना मजा आता है ना बच्चों खेलते देखते हैं लड्डू, मजा तो आता है, कितने मस्त होते हैं यूं एकदम ऐसे अपने वहाँ के स्ट्रीट के किंग होते हैं ये। और आवाज लिया हम खेलेंगे, हवा बहुत ठंडी है तो हम लोग अपनी अपनी कैप लगा के आए जो अच्छा किया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेम्पल में रोशनी बहुत अच्छी है, काश ये ओपन हो और हम अंदर जा पाए। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, तो टेम्पल इतना सुंदर है, इतना काम है यहाँ का एनवायरमेंट है ना मोटू, लेकिन इसमें तो जा नहीं सकता ना, मंदिर में अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट यहाँ चारों तरफ बहुत ही सुंदर गार्डन सा है तो उसमें हम लोग वॉक करेंगे और मंदिर आप लोग देखना कितना खूबसूरत है, अंदर से और भी खूबसूरत होगा, ये तो हमने मैंने बाहर से हमने रिकॉर्ड किया है। कितने लोगों ने प्यार के निशाने छाप रखे हैं, सारे कर रखे हैं पेड़ पता है सारे। हम लोग यहाँ कब से मतलब इस एरिया में रहते हैं और कभी सोचा नहीं कि अक्षरधाम टेम्पल अंदर से, मतलब पहले तो अलाउड ही नहीं था खैर कोरोना में, और लेकिन जब अलाउड हुआ तो इतना सोचा नहीं था कि इतना सुंदर है अंदर और यहाँ पे इतना प्यारा सा गार्डन भी है जिसमें हम वॉक कर सकते हैं। और ये देखो ऊपर यहाँ पे लोगों के हाउसेज हैं, बालकनीज हैं, यहाँ से इनको कितना अच्छा व्यू मिलता होगा डेली का डेली, वो कितना शांत है यहाँ, मतलब मन शांत हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से आगे प्रवेश निषेध है और ये है मंदिर का एरिया, तो शायद कोरोना में बंद है ये मंदिर। वो देखा वहाँ रेस्टोरेंट भी है, मैं तो वहाँ चलने की बोल रहा हूँ, चलना है, बच्चा पार्टी क्रिकेट खेल रही है, पार्टी शुरू हो गई मंदिर में। वाओ वी आर लकी राइट नाउ, और आरती चालू हो चुकी है, सब लोग मंदिर की तरफ भाग रहे हैं, सब के सब, कुछ लोग यहीं से दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग गए, हम लोग भी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग बैक फ्रॉम द टेम्पल और इट वॉज अ गुड वॉक और काफी अच्छा लग रहा है और हम डेली आएंगे। एंटर कर चुके हैं हमारी कॉलोनी में, फीलिंग सो रिफ्रेश्ड, क्यों डे नहीं थकान पसीना पसीना मोटू पसीना आ गया है मोटू का, वो अच्छी लग रहा है पसीना, मेरे तो नहीं आया बिल्कुल ही, मैं तो शरीर भी बहुत लेट्स के नीचे दबाओ पसीना दौड़ने का मन कर रहा है, दौड़ो बेल मुझे बता तो घर किधर है, किधर दौड़ू, यहाँ से राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ये रहा राइट, दौड़ो, हाँ दौड़ ले। गई क्या यहाँ से राइट, हाँ
सो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हो मेरे को कितना पसीना आ रहा है। आप मेरे को नहाना पड़ेगा और रात को मेरे को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि एक तो ठंड है, मैं सुबह नहा चुका हूँ ऑलरेडी और रात को वापस आना ये मेरे नियमों के कदे खिलाफ है। देखिए छोटू को नहाना पड़ेगा। छोटू एक उन लोगों में से आता है जो नहाने के से खिलाफ है, जो नहाना इज नॉट देयर थिंग। तो मोटू का नहाने के नाम से ही नहीं आ रहा था। तो छोटू अभी बोल रहा था बाहर की वो वर्कआउट करेगा, मैं देखना चाहता हूं लिटरली करता है। यस आई डू। जब मैं हॉस्टल में थी ना तो मैं डांस करती थी, डांसिंग वॉज माई वर्कआउट थिंग। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम, आई विल जस्ट प्लग माई ईयरफोन्स एंड आई विल जस्ट डांस। सो कल के ब्लॉग में मैंने अपनी कंडीशंस तो सारी बता दी थी बट जो डायग्नोज हुआ है वो शायद मैं भावनाओं में बहकर बताना भूल गई। मुझे PCOD हुआ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि अपनी शुरुआती स्टेज में है। सो दैट्स वाई आई वॉज लिटिल फ्रीक्ड आउट। ये अच्छी नहीं है बिल्कुल। कल के ब्लॉग में सारा कुछ बताया था इसके बारे में। अभी हम लोग वॉक करके आए तो बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म अप हो रखी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वर्कआउट करूँ अपना। आई विल स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग, मैं स्ट्रेच करूँगी बॉडी को पूरा, देन आई विल डांस ऑन वन सॉन्ग और टू सॉन्ग्स एंड थोड़े बहुत स्क्वेट्स, थोड़े पुशअप्स और सिटअप्स, क्रंचेज, हाँ क्रंचेज और क्रंचेज करूँगी थोड़े। सो इट विल बी गुड फॉर माई वर्कआउट। आज मेरा फर्स्ट डे है सो मैं बताऊँगी हाउ वॉज इट। गाइस मैंने अभी अभी एक मूवी देखी, मूवी का नाम था बैड सीड, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी है, मतलब इट विल मोटिवेट यू इनसाइड आउट एंड बहुत अच्छी मूवी है, ज़रूर देखना। नाम दोबारा बोल देती हूँ, बैड सीड्स, BADSEEDS। तो गाइस फोटू सेट जा रहे हैं डिनर के बाद वॉक पे बाहर और मैं डिनर के बाद ले रही हूँ गुड़ और दूध, विच इज़ अ रियली गुड कॉम्बिनेशन इन विंटर्स। गर्म दूध के साथ गुड़ खाएं और हेल्थ बनाएं।